पर्दा हटाने वाला गुरु बिन कौन है, टुकड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है, टिकड़ी बनाने वाला साथी पांच चोर बनाए, सारे जगत को चोराहा बरमाए, मन से बचाने वाला गुरु बिन कौन है, टुकड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है, टिकड़ी बनाने वाला। चोर दिन रात पूंजी लूटी जाते, अपनी ताकत से काबू ना पाते, इनसे बचाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है, टिकड़ी बनाने वाला। बिना तेरा कोई ना और, शासक नाम जी को बताने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है, टिकड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है, टिकड़ी बनाने वाला। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ए हुकम बंदेया दम दम बंदेया, सतगुर दा नाम चितारियो, सफल बना ले जिंदगी। ए हुकम बंदेया दम दम बंदेया, सतगुर दा नाम चितारियो, तू सफल बना ले जिंदगी। मानस चोला दुर्लभ मिलिया, ना बार बार हथ आए, चलिया गया फिर कुछ नहीं बनीदा, रोवे ते पछताए, बंदा फिर रोए ते पछताए। सत्संग करे बंदिया पव जल तरे बंदिया, बेड़ी डोबे क्यों मजदारियो, तू सफल बना ले जिंदगी। लख चुरासी जून पुगती के एह चोला है थ्याया, खान पीण ते सोन दे अंदर, तू इसनु है गवाया, ओ बंदे क्यों तू इसनु है गवाया। श्वास बड़े मुल दे तिन लोक तुल दे रहे, संत कबीर पुकारियो, तू सफल बना ले जिंदगी।
प्यारे खान चुरासी दे विच मानस दी वड़ियाई ऐसी उत्तम जूनी पाके कदर जरा ना पाई ओ बंदे कदर जरा ना पाई इसकी खुद मुख्तियारी बख्शी सरदारी क्यों करदा फिरे बगारियो सफल बना ले जिंदगी नाम दा सिमरन कर ले प्यारे अंत समय साथ जावे धर्म राज दा लेखा मुकजे जम नेड़े ना आवे बंदे तेरे जम नेड़े ना आवे बंदे शासक नाम जी बंदे जप नाम जी ये सच्चा है तन सारियो तू सफल बना ले जिंदगी एहो कम बंदिया दम दम बंदिया सतगुरु दा नाम चितारियो तू सफल बना ले जिंदगी नू धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी सजन बाजी प्यारी सत्संग जी ईश्वर का नाम सुखों की खान है। इंसान इस दुनिया में बहुत सी इच्छाएं रखता है, इच्छा का होना गलत नहीं, पर इच्छाओं का मकड़ जाल बुन लेना बेहद गलत है। इच्छा रखो नेक भली परमपिता परमात्मा को पाने की। सर्वोत्तम इच्छा यही है कि इंसान परमपिता परमात्मा को पाने की इच्छा रखे, और जो भी यह इच्छा रखते हैं वो मालिक वो परमपिता परमात्मा उनके अंदर बाहर तमाम परेशानियों का हल करते हैं, तमाम सुख शांति देते हैं और अपने नूरी स्वरूप का भी झलक दिखा दिया करते हैं। सुमरण के पक्के बनो। कई बार लोग यह कह देते हैं मैं तो भूल गया। आप खाना खाना नहीं भूलते, एक दिन भी बाहर ना जाए तो दवाइयां लेते घूमते रहते हो, कब्जी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आप काम धंधा करना नहीं छोड़ते, कहते ये तो पापी पेट का सवाल है। तो जिससे पूरा शरीर चलता है उस आत्मा के लिए आप सुमरण करना कैसे भूल जाते हैं? ये क्यों नहीं याद रहता कि एक दिन भी नहीं भूलना? क्यों भूले? खाना नहीं भूलते, पीना नहीं भूलते, कोई भी और काम नहीं भूलते, मालिक का नाम भूल गए तो भूल गए। मन कहते फिर क्या हो गया, कल फिर आएगा, कल फिर देख लेंगे। भूल गए तो डबल सुमरण करो ताकि मन आगे से आपको भुलाए ना। आधा घंटा नहीं कर पाए घंटा करो, घंटा नहीं कर पाए दो घंटे करो। एक आधे बार परेशानी आएगी, आगे से कभी भूलोगे नहीं, ये हकीकत है। पर आपका तो मन के पीछे चलना है। भूल गए फिर क्या हो गया, कल को फिर से ही बस छोड़ दिया वहीं पे, सारा दिन पड़ा है, जब मर्जी जाप करो, नहीं तो क्यों भूले। खाना ना खाओ, देखो एक दूसरे को गालियां देते हैं, खाना ना मिले तो क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, ये स्वाद नहीं, ये फलान, ये दीकड़ नहीं। जाना तो पेट में ही है, करनी आनी तो ताकत चाहिए। ठीक है, जीभा का स्वाद इंसान को आदत है, खाने में क्या होता है, सब्जी है स्वाद नहीं, थोड़ा नमक मिर्च कम ज्यादा हो जाता है, उसको डाल लो या तो उससे वो ठीक हो जाता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। लेकिन राम नाम अगर जाप नहीं करते तो बहुत कुछ हो जाता है। क्या पता आपने सोना बनना हो और आप पित्तली रह जाते,
क्या पता कौन सी खुशियां मिलनी और जिससे आप वंचित रह जाते हैं। सुमन करते 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 नजदीक पहुंचने वाले होते हैं, आप गैप मार जाते हैं। मन दांव चला देता कि यार ये तो अब खुशियों का हकदार बनेगा, अब तो इसको सब कुछ मिलने वाला है, तो वो नींद चढ़ा दी, ये कर दिया वो कर दिया, और आप उसके पीछे मस्त कि क्या फर्क पड़ता है। देखा है सुमन करने वालों को, उनको कौन से तगमे मिल गए, पर तू सुमन नहीं करता, तू कौन से तगमे या डायमंड लिए बैठा है। ये इंसान कभी सोचता नहीं, दिन रात दूसरों की तरफ निगाह ज्यादा रखता है। दूसरे को खुशी मिलती है, इंसान जल उठता है। दूसरे को आनंद मिलता है, इसको दुख मिलता है। संसार के लोग दुखी इसी बात से हैं, अपने दुखों से नहीं। पड़ोसी ने चवारा क्यों बना लिया, भगवान से स्कूटर मांगा स्कूटर मिल गया, पर पड़ोसी पास से कार से निकल गया, कहते इसको कार क्यों मिली, इसकी पंक्चर कर दे, एक्सीडेंट करते। तो अपनी चीजों से खुश नहीं है, दूसरे को ज्यादा मिल रही है इसका दुख ज्यादा है। बहुत लोग अपने आप से इसलिए दुखी होते हैं कि वो दूसरों को सुखी देख के सुखी नहीं रह सकते, और जब वो दुखी होते हैं तो फिर जैसी भावना। इसलिए कभी किसी का बुरा ना सोचा करो, भला मांगो, भला करो, और भले पे ही चलते चलो, मालिक आपका भी भला करेंगे। किसी को खुशी मिले तो ये मालिक से यही मांगो, मालिक इसको और ज्यादा मिले, हम पे भी रहमत कर। ये तो हुआ ना भक्तों वाली बात, इसमें तो मजा आता है, खुशी भी आती है, और कंपटीशन करो हर काम में। हमने तो जीवन जन्म से ही कंपटीशन ही सीखा है। खेतों में काम करते थे, कंपटीशन था कि सबसे बढ़िया करना है, सबसे अच्छी फसल पैदा करनी है। सेवा पे आते थे तो ये नहीं होता था कि हाँ भाई यार आ जाओ, सेवादार को आवाज देनी पड़ जाए कि ठीक है चने की बोरियां उठा रहे हैं तो चलो कमंटल की उठाओ भाई, जब मालिक ने ताकत दी है ये काम कर सकते हैं आप तो कहलवाना, थोड़ा ये सेवा करनी है, लग जाते थे। गेहूं काटना, जो भी सेवा मिलती थी फटाफट जो आता है वो कर सकते हैं, और सदगुरु की कृपा से सब कुछ आता था। कोई लांगरी ना होता लंगर खिला देते, यहां भी सेवा मिलती धड़ाधड़। फिर आता है मजा, शिकारी जो होते हैं ना उनको लगे लगे नहीं करना पड़ता, उनको पता है शिकार निकल आया झट से चिपट उसको लिपटा लेते हैं। उसी तरह जो राम नाम अल्लाह मालिक के चाहवान होते हैं वो ये नहीं आखा मोड़ना ते डक्का तोड़ना नहीं, चंगा जी कर देने जो देते उधर खिसक गया, ऐसे नहीं। जब लगन से लग गए तो फिर लग गए, जब वो फल देगा देगा, उसकी मर्जी, उस पर छोड़ दो। आप तो कर्म, ये कर्म भूमि है, आदमी का शरीर भी कर्म भूमि है, इसमें कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, भले करते जाओ, फल अपने आप देगा। उम्मीद आप रखते हो फल की, मिलेगा, लेकिन उम्मीद बढ़ जाए और कर्म घट जाए तो उम्मीद पूरी नहीं होती। इसलिए कर्म बढ़ते जाएं, उम्मीद है ठीक है मालिक उसका काम वो करेगा सो करेगा, और वो जरूर करेगा। माँ अपने बच्चे को कभी गलत जगह फेंकती नहीं, माँ तो उल्टा सोच लेती है, उल्टा कहीं बच्चा जा रहा है गाड़ी पे, हुए एक्सीडेंट ना हो जाए, इसको ये ना हो जाए, इसको वो ना हो जाए, पर वो अल्लाह वाहिगुरु या उसके संत पीर फकीर ऐसा नहीं सोचते, बल्कि वो तो दुआ ही करते रहते कि अगर ऐसा किसी को कुछ होता है तब भी उसकी संभाल करते हैं, पास जाके उसकी रक्षा करते हैं अगर वो उसे याद करता है। तो इसलिए भाई क्यों किंतु के चक्कर में मत पड़ा करो, तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। अपना अच्छा कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां बरकतें आपकी झोली में आए। कोई भी बुरा कर्म करता है उसको हटाओ प्यार से मोहब्बत से कि वो बुरा कर्म ना करे, पर किसी को पाखंड करते देख, किसी को ढोंग करते देख आंखें बंद कर लेना ये भी गलत है। उस पाखंडी से बचो, उसके ढोंग करने बंद करवाओ प्यार से मोहब्बत से, तभी आपको खुशियां मिलेंगी, तभी उसकी दया में रहमत के लायक आप बनते जाएंगे। तो विदेशों से बात करने वाले हैं जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लार्ना का साइप्रस, और लंदन यूके से। बोलो भाई जल्दी से शॉर्ट में बात करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी, सतगुरु मेरे दीदार से तेरे रूह में मटी हलचल, तुसी करौनी है ती जानो की वे जी करनी गल। पिता जी आप जी का बेटा विक्रम इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया तो बोल रहे हैं, पिता जी बोलने की हिम्मत बख्शना। हाँ जी बोलो। पिता जी आप ठीक हो?
बेपरवाजी की रहमत है बेटा, आप सुनो। पिति आंटी जी बहुत रहमत है पिति। पिति मेरी वाइफ की डिलीवरी नवंबर में है पिति, मेयर करना दोनों ठीक रहन। पिति आने वाली रूह साढ़े नालों ज्यादा आप जी प्यार करे, सेवा सिमरन से प्रवास करे पिति जी। बेटा खाना नाम जप के बनाया करो और लगातार वो आपके पत्नी जो उनसे बोलो, लगातार सुमन करें, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक अच्छा नेक इंसान बनाए आपके बच्चे को, क्योंकि गर्भ में जब मां नाम जपती है सत्संग सुनती है तो गर्भ में ही बच्चे के अच्छे संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। बेटा आप क पे कोई भी नाम रख लो, परिवार वाले सारे बैठ के एकदम से पूरा ख्याल में नहीं आएगा, कै पे के पे उसी को लगातार सुमन करके आगे बढ़े बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक खुशी थे। पिता खुशी थोड़ी देर थोड़ी गल करनी चाहिए पिता, प्लीज दान दान सतगुरु ते रहिया सर पिता जी। पिता दान दान सतगुरु ते रहिया सर। हाँ जी। पिता मेहर करना कि असि सारा परिवार इसे तरह सेवा सिमरन ते परमार्थ करते हुए आप जी के चरणा चोर निभा दिए। पिता साडे तो जिंदगी विच कोई भी गलती हुई है तो पिता माफ करना जी। बेटा बचना च कदे गलती ना करो, और वैसे कोई गलती है तो नारा लगा दो बेटा, मालिक माफ करने वाले हैं। जी आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया सारे ले लो, सेवा सिमरन मन लगे, मालिक नाल प्यार वधे, आशीर्वाद बेटा। हाँ जी बेटा सतगुरु तेरे आशा। हाँ जी बोलो बेटा। पिता जी तुसी ठीक हो? बेपरा जी रहमत है बेटा, तुसी दसो। पिता जी तुसी ठीक हो? तो असीं भी सारे बहुत वधिया पिता जी, इत्थे थोड़ा आशीर्वाद है जी। पिता जी बहुत ज्यादा दया में रहमत है थोड़ी साढ़े ते। पिता जी इत्थे साइप्रस दे विच साध संगत बहुत घट है जी। पिता तुसी तीन जानी आ, पिता जी असीं चाहुंदे आ कि दया में रहमत करो कि असीं गांव वध सकीए, किसी होर कंट्री दे विच अगे मूव कर सकीए, आशीर्वाद दो पिता जी। जी बेटा अगर कम धंधा ठीक है तो बेटा उत्थे कम धंधा करो, सिमरन करो, सत्संगत साइप्रस से अगे भी एक दो बार शायद गल की अलग तो है, सो जिन्होंने तुहाडे नाल गल की उन्हां नाल गल कर लियो, तुहानू दस देणगे। ठीक है पिता जी। पिता जी एक छोटा जिहा चमत्कार सुनाउणा सी पिता जी, शॉर्ट च बेटा। हां जी पिता जी, मेरे दीदी काफी बीमार रहिंदे पिता जी, उन्होंने नाम शब्द तां नहीं लिया होया पर विश्वास बहुत है। पिता जी उन्होंने यूट्रस दे विच जो सौलियां सी और एक लड़की तो बाद उन्होंने बेबी नहीं होया कोई भी, और पिता जी डॉक्टर यही कहंदे सी कि यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। पिता जी असीं उन्होंने सिर्फ इन्ना कहा भी तुसीं नारे दा जाप करदे रहो, और जदों उन्होंने ऑपरेशन होया पिता जी ऐसी थोड़ी दया में रहमत हुई कि सिर्फ सौलियां रिमूव करती और यूट्रस बच गया पिता जी, हुण बिल्कुल ठीक है थोड़ी दया में रहमत नाल। पिता जी ऑनलाइन बैठे आशीर्वाद दो पिता जी उन्होंने जी, आशीर्वाद बेटा। पिता जी परिवार दे विचो मतलब पापा जी, पापा ते डैडी दोनों आए हुए ने, उन्हां नूं आशीर्वाद दो, डैडी काफी बीमार रहिंदे, उन्हां ते भी दया मेर रहमत करो पिता जी। मजलिस च आए हुए जी, आशीर्वाद बेटा। हां जी, हां जी। और सुमन करो, बीमारी वाला प्रसाद ले लो बेटा, थोड़ी दवाई लो, सुमन करके दवाई लो, आशीर्वाद। पिता जी बस इसे तरह दया मेर रहमत करते रहो, सेवा सिमरन दा बल बख्शियो जी, आशीर्वाद बेटा। और जो फ्रूट तुसी रखे वो प्रसाद बन गया, सारे ले लो बेटा, सेवा से उनके मन लगे, मालिक नाल प्यार वधे, बहुत आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, आशीर्वाद बेटा। दंडम सत्यो तेरा आशीर्वाद। हाँ जी, हाँ जी। तो जी मैं आप जी की बेटी ईस्ट लंदन यूके से बोल रही हूँ। तो जी मेरे तीन दो साल और दो तीन बातों के लिए आशीर्वाद है बेटा जी। हाँ जी। पिताजी मेरा पहला सवाल ये है पिताजी कि
सारी सत्संगत को यूके की को आशीर्वाद दो कि आपकी लाइफ से पिताजी बहुत काम कर फैमिलियों को जिनके जो हम अब्रॉड में उनकी साथ हैं पिताजी हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ती भलाई के काम करें और आपका नाम रोशन कर सके जी बेटा जी आशीर्वाद जी पिताजी पिताजी और सेकंड मेरी रिक्वेस्ट है पिताजी जो हमारे यहाँ के भंगीरा से अंकुर भाई जी एंड बिंदु जी वो उनके कोई किसी कारण के कारण से उनको इंडिया आना पड़ रहा है और उन्होंने डिसीजन है कि मे बी वो बाद में हमारे पास ना आ पाए फैमिली प्रॉब्लम कुछ भी पिताजी प्लीज प्लीज उनसे रहमत उनके ऊपर रहमत करो उनके भी कर, मैं किसी भी तरह दो कि हमें उनकी बहुत जरूरत है पिताजी हमारी शासन में तो उनके साथ है तो प्लीज ये आप ही कर सकते हो उन पे रहमत करो और पिताजी प्लीज वो हमें मिल जाए कि आप आशीर्वाद दो कुछ ना कुछ ऐसा हो कि उनकी प्रॉब्लम कट जाए या जो भी प्रॉब्लम है पिताजी आप जान बेटा वो लगातार सिमरन करें और सिमरन करेंगे तो कर्म कटते हैं बेटा लगातार सिमरन करें जी पिताजी एक मेरी वो बात है कि वो ग्रीनवेल फोर्स का जो प्रसाद है पिताजी वो हमारी साथ संगत और युवक है जो बढ़ चढ़ के ले रही है पर हमें प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो यूनिफॉर्म्स है वो नहीं मिल रही पिताजी कि एक जैसे कि डेरे में से एक एक ही सेवादार की यूनिफॉर्म ले सकता है तो प्लीज पिताजी उसके लिए कुछ उपाय बताओ कि हम ज्यादा से ज्यादा यूनिफॉर्म मंगा सके जैसे सफाई अभियान तीसरा होने जा रहा है तो पिताजी ज्यादा से ज्यादा यूनिफॉर्म पहन सके ऐसा कुछ कोई एक रिस्पॉन्सिबल हमें पर्सन मिल जाए जिसे हम ले सकते हैं या कुछ भी पिताजी प्लीज ऐसा हमें कोई उपाय करके बताओ पिताजी जी बेटा आप जिनके थ्रू बात कर रहे हैं उनसे बात कर लें और जुम्मेवार जो एडम के हैं वो ख्याल करें कि वहां के लिए एक जुम्मेवार अपॉइंट कर दें और वहां पे ज्यादा ड्रेसें जितनी उनको जरूरत है वो सारी भेज दी जाएं नाम के नाम लिख के उनका नंबर डाल के और वो नंबर यहां फीड कर दिए जाएं और इनको बताया जाए कि ये नाम की ये ड्रेस है तो ऐसे ड्रेसें आप भेज दें और जरूर भेज देंगे बेटा जी और पिताजी मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप जानी जानो सब कंडीशन जान रहे हो मेरी पर पिताजी मैं एक आपसे प्लीज एक मार्गदर्शन करो कि मेरे ब्रदर के तीन बेटियां तो मैं उनकी एक बेटी अडॉप्ट करना चाहती हूँ पर मैं चाहती हूँ कि आप मार्गदर्शन करो कि मैं कैसे करूँ कर सकती हूँ या नहीं वो आप जानी जानो पिताजी प्लीज मेरे को उसके बारे में बता दो बेटा सुमण करें परिवार से सलाह कर लें अगर जैसे आप फ्यूचर में कैसे रहना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग परिवार से सलाह करके आप ऐसा कर सकते हैं बेटा परिवार अगर दोनों तरफ से सहमत है जी पिताजी ये कुछ सामान रखा हुआ प्लीज आशीर्वाद दृष्टि डाल प्रसाद बना दो और पिताजी प्लीज मेरी फैमिली को मेरे साथ वालों को और मेरी नीति की सारी सत्संगत को पिताजी प्लीज आशीर्वाद दो कि हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के पिताजी सेवा करें और आपका नाम रोशन कर सकें पिताजी जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया सब लोग ले लेना सेवा सुने मन लगे मालिक से प्यार बढ़े बेटा आशीर्वाद प्रसाद ले लेना आशीर्वाद जी तो लाइव मैसेज है मनजीत कौर कैलिफोर्निया यूएसए से पहले बताइए आप जिन्हें सपने में दर्शन दिए और बेड रेस्ट के लिए कहा था और फरमाया था कि बेटा बेटा परंतु सही तरीके से बेड रेस्ट नहीं कर पाई अब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे की धड़कनियां हो सकता है कि अबॉर्शन करना पड़े पहले भी दो बार मिस कैरेज हो चुका है रहमत करो जी ड्राई फ्रूट प्रसाद बना दो प्रसाद बन गया बेटा लगातार सुमण करो अगर आप वचन मान लेते और लगातार बेड रेस्ट करते तो ये परेशानी ना आती लगातार सुमण करें एक दो डॉक्टरों की राय लें रामप्रीत इंसा सरीबीसी कैनेडा प्यारे पिता आज मेरा जन्मदिन है फ्रूट है प्रसाद बना दो जन्मदिन मुबारक बेटा प्रसाद बन गया सब लोग ले लेना मालिक खुशियां दे राहुल इंसा मनजीत इंसा परत ऑस्ट्रेलिया प्यारे पिता हमारा आईलेट्स का एग्जाम है रहमत करना आशीर्वाद बेटा लगन से आगे बढ़ो हिम्मत से आगे बढ़ो आशीर्वाद प्रसाद बन गया सब लोग ले लेना विदेश जाना है सनी इंसा बचनों पर रहना सुमण करते रहना बेटा मालिक साथ और वहां के लिए प्रसाद ले जाना आशीर्वाद विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस एयर इंडिया में आईवीआर के माध्यम से 11,892 कनेक्शन पर 43,326 की तादाद में सत्संग लाइव मजलिस सुन रही है जी लाइव वीडियो पर
1426 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में सत्संग लाइव देख रही, सुन रही, हमें नजर आ रही, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। और शास्त्रम जी की नेक्स्ट वेलफेयर फोर्सिंग का प्रसारण नहीं से पता 9 भाई बहन खड़े हो जाएं, यूथ वीरांगनाएं 20, इंसानियत की सेवा महाभियान के फार्म भरने वाले 2 सेवादार। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके और निभाते हैं। सो आप अपने ब्लाकों में आश्रम में जोर शोर से सेवा करना, मालिक दिन दुगुनी रात चौगुनी दिया में रहमत से माला माल करते हैं। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद लेना आशीर्वाद जी बेटा। बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके ये प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद लेना। जितनी बार दवा लेनी पहले आधा घंटा सुमरण करना, कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लेना। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानने वाले आप। और जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, सत्संग की तरफ से सात संगत की तरफ से उनका इलाज फ्री है। खाने पीने के अनजाने में गलती किए बैठे बैठे नारा लगा दो, आइंदा से गलती ना करो। 3 वचनों में पहली बार जिनसे गलती हुई है वो जल्दी से खड़े हो जाओ। जिसको पता है कि मेरे से गलती हो गई, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ। अभी खड़े होना होता बाद में नहीं, खास करके बहनों और माताओं की तरफ ये बिल्कुल बाद में खड़ी होती है। तो अभी खड़े होना है और खड़े रहना है। जब गलती होगी तो शर्म कैसी, मालिक से आपको माफी दिलवाएंगे, दुआ करेंगे। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, खड़े रहिएगा। वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, सारी खुशियां चली जाती हैं। आज अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे, वो देखो एक बहन अब खड़ी हुई है, अब एक और खड़ी हो गई। तो अभी सेवादार बहने ये ध्यान रखा करें, उनको बिठा दिया करें, उनको माफी नहीं होती, आज तो कोई बात नहीं। तो कभी भी वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए। सो आप जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे, फिर से खुशियां मिलेंगी अगर सुमरण करोगे। बैठ जाओ, आइंदा गलती मत कर बैठना। और बच्चन नहीं माने, लॉकेट गुम हुआ, बीमारी वाला प्रसाद दो बार लिया, नाम शब्द में दोबारा बैठे, अश्लीलता देखी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, दांत गुम हुई, प्रसाद खराब हुआ, आप शब्द बोले, ऐसी कोई भी गलती हो खड़े होकर नारा लगा के बैठते जाओ साथ के साथ। सो मालिक माफ करें, कोई गलती कभी दोहरानी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखा करें। दूसरी बार माफी लेने, 2 महीने सुमरण किया, राजेश इंसान राज इंसान। बचनों में कभी गलती को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, घंटा सुबह शाम लगातार आप सुमरण करते रहो, मालिक से दुआ करेंगे और रहमत करने वाले। सो नारा लगा के बैठ जाए आशीर्वाद। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सारी सारी रात जो सेवा करते हैं, मालिक से विनती प्रार्थना करके ये प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हैं। सनी इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया 51,000, मनदीप इंसा इंग्लैंड से 7,770, शाही कंटीन की तीसरी शूट वाले बने खड़े होते जाओ 7,770, लंगर बनाने वाले बने 9,999, यूथ वीरांगने 5,500, लंगर खिलाने वाले बने 5,500, सफाई समिति 5,100। इनके अलावा 23 एनवाई दिंदु की मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, कुछ ने व्रत भी रखा है जी। तो बेटा समय के अनुसार आप नारा लगा के व्रत खोल लेना, सेवा सुन में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक रहमो करम से नवाजे। सुप्रसाद ले लेना और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने चलो छोड़ा है, नाम लिया था जी, परिवार दोनों तरफ आए, पागी बंदर बैठिन लेता हूं, खड़े हो जान जी। सो जिसने नाम लिया होंगे वो आत्मा मालिक की गोच बैठ के ज्योति ने जिता हम सचखंड सतलो का नाम ही जरूर जान दी है। प्रसाद ले लो, जो जख्म देंदा मरम जरूर देवेगा, प्रसाद लेने तो बाद बैठ जाना है जी। साथ संगत में कोई नशा छोड़ने आए साधन के लिए, यहां पे रुक जाओ, परिवार का एक आदमी साधन साथ रहे। साधन सेवा सिमरण करने से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखो परिवार का एक आदमी साधन साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाना है, यार दो जो नशेड़ी है उनका संग उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना चाहिए। बाकी शास्त्र में प्रसाद पहने, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी के लिए आप आशीर्वाद लेने आए तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी शास्त्र अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद सामान नीचे कर लो जी। तो जो भी शास्त्र संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नु क्षम दिल के थे मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के मुताबिक आप जा सकते रहने का। जैसे सेवादार भाई बताए रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।